हेलो गाइज, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू संजय जीटिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम करने वाले पबजी फोटो रेटिंग। तो आप लोग चाहे तो फ्री फायर भी कर सकते हो ये देखकर, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज़्यादातर कमेंट आ रही कि भाई पबजी के ऊपर फोटो रेटिंग बनाओ, तो इसलिए ये पबजी भी कर सकते हो और फ्री फायर भी कर सकते हो। सर, वीडियो के अंदर आप लोग को स्टेप बाई स्टेप दिखा दूंगा और इसका एक्सचेंज कैसे करना है ये भी दिखा दूंगा और प्रीसेट कैसे यूज़ करना है ये भी दिखा दूंगा। सर, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी वर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सर, इस फोटो को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होगा, फोटो को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले शेयर कर देना है फोटो रूम ऐप के अंदर, और ये फोटो रूम ऐप आप लोगों को गूगल से डाउनलोड या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इजीली मिल जाएगा। और बिना वाटरमार्क डाउनलोड करना है तो गूगल से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर एडिट करने के बाद पर्सन पर क्लिक करना, कटआउट पर क्लिक करना, देन यहाँ पर मैनुअल मोड मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना एंड मैनुअली आप लोगों को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो दीवार को ले लूँगा, तो यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट करके इसको पेंट कर लूँगा जल्दी से, ठीक है, और एडजस्ट कर लूँगा। सो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना सिंपली, और बैक चले जाना और फिर से बैक, और यहाँ पर मिल जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर एरेजर सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर कट भी हो जाएगा। देन ऊपर में एरो पर क्लिक और यहाँ पर सेव टू ग्लारी, ये फोटो सेव हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा ऑफ कर लेना, ठीक है। सो डेटा ऑफ करने के बाद जो रॉ फोटो को लिया था, तो इस रॉ फोटो को फिर से मैं शेयर कर दूंगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो कैसे करना मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद टूल्स पर क्लिक करना, यहाँ पर आप लोगों को हीलिंग टूल पर क्लिक करना, देन यहाँ पर मॉडल को ऊपर पेंट करना सिंपली, और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर एरिस कर लेना सिंपली, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लेना है आप लोगों को। सो एरिस करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना सिंपली, देन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा एंड फिर से टूल्स पर क्लिक करना, और यहाँ पर मिल जाएगा लेंस ब्लर, तो सिलेक्ट कर लेना एंड इसी सर्कल को छोटा कर लेना है एंड सभी को कम कर देना है, मतलब बिगनेट को कम, ट्रांसलेशन को कम, एंड किसी एक जगह में रख देना है, और जितना ब्लर डालना चाहते हो ब्लर डाल देना है, ठीक है। तो लगभग मैं इतना ही रखता हूँ, तो डन पर क्लिक सिंपली, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना। सो इस वाली फ़ोटो को मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लूँगा, तो चलो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ टूल के अंदर चले जाऊँगा सिंपली, देन क्या करूँगा, लेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, और जो फोटो फोटो रूम ऐप के अंदर सेव किया था उसको मैं ऐड कर लूँगा फोटो लेयर पर क्लिक करके। सो ऐड करने के बाद नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा, ऊपर से डन पर क्लिक, और अब लोग क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेना आपका खुद का मर्जी से, ठीक है। सो एडजस्ट करके लगाने के बाद डन पर क्लिक कर देना सिंपली, और अब लोगों को एडिजर सिलेक्ट कर लेना, और एरेजर का जो साइज रख देना ओपासिटी आप लोगों को लगभग 20 के आसपास, साइज आपको फुल एंड इसका जो हार्डनेस है बिल्कुल कम, एंड यहाँ पर जूम को टिक कर लेना है, ठीक है। देन आप लोगों को नीचे से एरिस करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस लेयर को बंद कर देता हूँ। सो एरिस करने के बाद यहाँ पर लेयर को छोड़ूंगा, अब आप लोगों को एरिस करना है खुद का मर्जी से, और इसका साइज ओपासिटी और भी कम कर लेता हूँ, और नीचे से थोड़ा थोड़ा करके और भी एरिस कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, मर्ज कर दूंगा एंड इसको भी मर्ज कर दूंगा, एंड इस वाली फोटो को लाइट रूम के अंदर ले चलते और जो प्रीसेट दिया था उस प्रीसेट को भी ऐड कर लेना है। तो थ्री डॉट पर क्लिक, सेव टू इमेज, तो चलो लाइट रूम के अंदर। तो गाइस, लाइट रूम के जाने से आगे यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा स्काई चेंज करूँगा, तो स्काई चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा लाइट लैब ऐप के अंदर। तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अनलॉक चाहिए तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, फिर यहाँ पर लिखा होगा देखो स्काई, तो स्काई के ऊपर क्लिक करना सिंपली, यहाँ पर बहुत सारे स्काई आ जाएगा मोडे पी के डाउनलोड करेगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चूज़ कर लेता हूँ जो मैं दिया था वहाँ पर। सो फिलहाल के लिए मैं इसको चूज़ कर लिया हूँ एंड इसका थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, फेतर को देखते कितना रखना है, फेतर को थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ, और इसका जो हॉरिजन है हॉरिजन को देखते हॉरिजन को थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ, एंड शिफ्ट को देखते शिफ्ट को इधर उधर करना जो आपको मर्जी वो दे सकते हो, एंड एम्बियंट को देखते एम्बियंट को पूरा कम, डिटेल्स को देखते डिटेल्स को थोड़ा सा माइनस, एंड ओपेसिटी तो फुल, ठीक है। अब यहाँ पर कलर एडिटिंग करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड शेयर पर क्लिक, एंड लाइट रूम के अंदर शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, लाइट रूम के अंदर फोटो को ऐड कर लिया हूँ और प्रीसेट को भी ऐड कर लिया हूँ। तो प्रीसेट को कैसे यूज़ करना है, प्रीसेट का थ्री डॉट पर क्लिक करना, कॉपी सेटिंग पर चले जाना, यहाँ पर टूल्स वगैरह जो भी है यहाँ पर टिक करके कॉपी सेटिंग कर लेना है,
और रॉ फोटो के अंदर आना सिंपली एंड यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना, यहाँ पर पेस्ट मिल जाएगा, पेस्ट पर क्लिक करना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिटचिंग हो जाएगा, ठीक है। और फेस का थोड़ा सा गोरा करना चाहते हो तो यहाँ पर कलर्स में जाके, मिक्स कलर में जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसका लुमिनेंस बढ़ाओगी तो फेस वाइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर एडिटिंग करने का, आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ गया। तो इसी तरीके से आप लोग को एडिटिंग कर लेना है। सो सेव करने के लिए शेयर में क्लिक करना है, देन यहाँ पर एक्सपोर्ट एस पर क्लिक, ऊपर से राइट पर क्लिक, तो HD में सेव हो जाएगा। सर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो ऐसे कैसे नया वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।